गुजरात के वडोदरा जिले के नंदेसरी इलाके में स्थित दीपक नाइट्रेट नाम की एक केमिकल फैक्ट्री में ब्लास्ट के बाद भीषण आग लग गई। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई। फिलहाल आग पर काबू पाने के लिए कड़ी मशक्कत की जा रही है। फायर ब्रिगेड के कर्मचारी के मुताबिक एक बॉयलर में ब्लास्ट हुआ था, इसके बाद आग पूरे प्लांट में फैल गई और आग की चपेट में आकर दो अन्य बॉयलर भी फट गए। अभी तक हादसे में करीब 15 लोग घायल बताए जा रहे हैं।